नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरीश खारी आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन कार्बोवेज के बारे में। दोस्तों पेट में कब्ज, गैस, अपच जैसी समस्या होने पर कार्बोवेज बहुत ही लाभकारी मेडिसिन रहती है। आइए जानते हैं कार्बोवेज पेट के किन रोगों के लक्षणों में आपको लेनी चाहिए। आमाशय यानी स्टमक का बहुत ज्यादा भारी होना, भोजन करने के बाद या पानी पीने के बाद डकारे आना। दोस्तों एसिडिटी और डकारों के कारण मुंह के अंदर पानी भरा हुआ महसूस होना, पेट में अफारा होने के कारण सांस का फूलना। रोगी को डकारे बहुत आती है, ऐसा अक्सर भोजन करने के बाद या रात में सोते समय होता है। रोगी को मलद्वार से गैस पास करने की समस्या भी बहुत ज़्यादा रहती है। कई बार ज़्यादा अफारा आने या गैस बनने से सांस लेने में परेशानी आना, आमाशय में जलन जो पीठ तक फैल जाती हो, स्टमक में कमजोरी आना और बेहोशी छाना, मरोड़ के साथ पेट दर्द का होना। दोस्तों ये सिम्टम्स ज़्यादातर खाना खाने के बाद आते हैं, अक्सर परेशानी खाने के बाद ही महसूस होती है। दोस्तों लेडीज जो बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं उन्हें पेट में दर्द होने के साथ अफारा हो तो कार्बोवेज उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। दूध, मांस और चिकनाई वाले पदार्थों को देखते ही जी का खराब होना, पेट के ऊपर का भाग बहुत ही नाजुक होता है जिसमें गैस बहुत ज़्यादा बनती है। दोस्तों पेट के ऊपरी हिस्से में गैस फंसी हुई महसूस होती है, पेट में भारी वजन उठाने जैसा दर्द महसूस होता है, किसी चीज़ की सवारी करते समय पेट में दर्द होता है। दोस्तों जो रोगी को गैस पास होती है वो बहुत बदबूदार होती है, अक्सर टाइट कपड़ों के पहनने से परेशानी महसूस होती है। इंटेस्टाइन यानी आंतों में भयानक जख्म होने के साथ भगंदर हो जाता है। दोस्तों पेट का फूल जाना, जिगर में दर्द होना आदि लक्षणों के नजर आने पर अगर रोगी को कार्बोवेज खिलाई जाए तो बहुत ही लाभकारी रहती है। दोस्तों कुछ लोगों को क्रोनिक एसिडिटी यानी पुरानी एसिडिटी की शिकायत रहती है जिसके साथ डकारे भी बहुत आती हैं। ऐसे रोगी को खट्टी डकारों के साथ पेट का ऊपरी हिस्सा फूला हुआ महसूस होता है, रोगी को ऐसा लगता है जैसे हवा पसलियों के नीचे अटकी हुई है और चुभन पैदा करती है। दोस्तों रोगी को डकार लेने और मलद्वार से गैस पास करने के बाद कुछ आराम मिलता है, पेट इस कदर फूल जाता है कि कपड़े ढीले करने पड़ते हैं। दोस्तों कार्बोवेज गैस, एसिडिटी, डकारे आने, अफारा आदि में बहुत लाभकारी रहती है। इसके साथ ही इसे दस्त लगने पर भी यूज़ किया जाता है। बुजुर्गों में अक्सर पेनफुल डायरिया हो जिसके साथ वीकनेस आ रही हो, ऐसे लोगों को कार्बोवेज दी जाए तो बहुत ही इफेक्टिव रहती है। डायरिया होने पर रोगी को रेक्टम यानी मलद्वार पर जलन महसूस होती है, ऐसे रोगी को माथे पर ठंडा पसीना और शरीर पर कभी कभी ठंडा पसीना आता है। दोस्तों कार्बोवेज के रोगी को अगर गैस की समस्या हो तो वो अल्कोहल, मीट, फिश, सोल्टेड खाने से होती है, एग्रावेशन लेटने से, दूध या कॉफ़ी पीने से होता है। दोस्तों अगर कार्बोवेज की डोज की बात की जाए तो आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 बूंद जीप पढ़ लेनी है। अगर यह मेडिसिन आपको 200 पोटेंसी में मिलती है तो आपको दिन में 1 बार 4 ड्रॉप्स जीप पर डालनी है। दोस्तों कार्बोवेज या किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स का सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई नहीं लेनी चाहिए, ऐसी मेडिसिन्स डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। इसके लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल सकते हैं, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सलाह ले सकते हैं।